नमस्कार। सीवण के खरबूजों की मिठास हरियाणा ही नहीं पूरे देश में फैली हुई है। आज हम सीवण के खेतों में पहुंचे हैं जहां इस टाइम जो खरबूजे का टाइम है वो चला हुआ है। आइए किसानों से बात करते हैं कि खरबूजे की खेती कैसे होती है और इसकी डिमांड कहां तक है। नमस्कार जी, मेरा नाम जशनप्रीत है जी और मैं सीवण से बिलोंग करता हूँ जी। जो ये सीवण का खरबूजा है तो इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है पहले? सीवण के खरबूजे की दिल्ली, राजस्थान और यूपी तीनों स्टेजों में अपने सीवण के खरबूजे की पूरी डिमांड है और इसका खर्चा है 60,000 रुपये किले का। मतलब इसको तैयार कैसे करते हो, खरबूजे की खेती कैसे होती है? खरबूजे की खेती करने के लिए पहले तो इसमें खेत की जुताई करनी पड़ती है। खेत की जुताई करने के बाद इसमें पटड़े निकाल के फिर इसमें मल्चिंग बिछती है पन्ना जी। नीचे पन्ना बिछा के 15,000 रुपये पन्ने का खर्चा है जी, 5,000 रुपये जुताई का खर्चा है, 20,000 रुपये 15,000 जो खेते का ठेका है ठेके का जो भी मतलब के 15,000 रुपये उसका और 10,000 का बीज, 10,000 रुपये इस पर लेबर जैसे बायोफोर्स कोई भी मतलब कि आप ऑर्गेनिक इस पर पेस्टिसाइड वगैरह जैसे यूज करते हैं, 10,000 रुपये उसका खर्चा जी। तो टोटल मिला है कितना खर्चा हो जाता है? 60,000 रुपये जी। आप कब से ये जो खरबूजे खेती कर रहे हो? मेरे फादर साहब तो 15 साल से कर रहे हैं जी, मैं 4 साल से कर रहा हूँ जी। कितने एकड़ लगा रखे हैं? मेरे पास इस टाइम 22 एकड़ है जी। तो इसकी डिमांड मोस्टली कहाँ कहाँ है? डिमांड हमारी सारा मेरा खरबूजा जा रहा है जी यूपी में, मुरादाबाद यूपी में जा रहा है। तो मतलब जो प्रति एकड़ कितना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा जी खास तो कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे जे तो 7 रुपये किलो बिके जी फिर तो वही 10-15 हज़ार है, जे मतलब 12-13 रुपये बिक जे जी फिर वही 30-35 हज़ार रुपये। इसमें मतलब क्वालिटी है खरबूजे में? क्वालिटी इसमें तीन तरह के सीड आते हैं, जो जनवरी महीने में लगता है वो तो है जी बोवी नोनियो सीड का, और एक उससे बाद आता है फरवरी महीने में लगता है फार्मर ग्लोरी जी। और मार्च के महीने में लगता है गोल्डन ग्लोरी। गोल्डन ग्लोरी मतलब ये तीन तरह की वैरायटियां हैं। तो वहाँ जो जैसे आप बताते हो अभी यूपी और दिल्ली में मशहूर है, तो वहाँ किस क्वालिटी है गाड़ी इसको? इसका खरबूजा इस करके क्वालिटी ये इसका पीस होता है 2 से 2.5 किलो जी। वो जो सा यूपी का या राजस्थान का जो सा खरबूजा वो रह जाता है 0.5 किलो से 1 किलो तक, ये खरबूजा जाता है 2 से 2.5, 2.5 से 3 भी चला जाता है इस करके। और इसकी मिठास बहुत ज़्यादा है, यहाँ का वातावरण और पानी जैसे मिट्टी उपजाऊपन बहुत बढ़िया है। तो मतलब जो खरबूजे का नाम सीवण का नाम आता है तो खरबूजे की ऑटोमेटिक मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ जाती है। इसमें मतलब कितनी खेती लेते हो आप? जैसे अब तो खरबूजे की होगी। मैं 3 फसलें लेता हूँ जी, पहले एक जीरी की, जीरी के बाद आलू, आलू के बाद मतलब कि ये खरबूजा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदपुरा के प्रगतिशील किसान गज्जन सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार जी गज्जन जी, आप बताइए जो ये खरबूजे की खेती है तो कैसे होती है और क्या डिमांड है खरबूजे की सीवण की? हमारे जो मेरे गांव में लगभग 400 एकड़ के आसपास खरबूजे की खेती है जी। और पूरे हरियाणा में ही नहीं, यूपी, राजस्थान और दिल्ली जी बहुत मशहूर है गोविंदपुरा का सीवण का खरबूजा। यहाँ की मिट्टी पानी अच्छा होने की वजह से इसकी जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी है और मिठास बहुत है, इसी वजह से मशहूर है। जैसे मतलब कितने साल से आप खरबूजे की खेती कर रहे हो? लगभग यहाँ गांव में 15 साल से ये चीज़ चल रही है, लेकिन पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा चलन हुआ है। मतलब आप ऑर्गेनिक खेती भी करते हो? बिल्कुल, ऑर्गेनिक भी होती है गांव में। और दूसरा है कि सरकार जिस तरह से चाहती है, यहाँ का जो किसान है वो बहुत एडवांस है, वो चाहता है कि हम फसल चक्रीकरण अपनाएं। फसल चक्रीकरण के चक्कर में हम 3 फसलें लेते हैं, पहले पैडी, फिर आलू और फिर खरबूजा, या फिर हम लेते हैं पैडी, मटर और अजवाइनी बूटी। ये अजवाइनी बूटी और खरबूजा ये यहाँ का बहुत फेमस है और लगभग यहाँ के कोई 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिए में यही होता है जी। जैसे ये आपको सेल करना है तो ग्राहक है जो कैसे संपर्क करते हो आप? जैसे बाहरली मंडियों के जो व्यापारी हैं वो किसानों के संपर्क में हैं और सर्वे भी करके जाते हैं, वो फिर जब पीक आता है तो यहीं से फिर वो माल उठा लेते हैं, खेत से ही सौदा हो जाता है, वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इधर से माल चला जैसे जाता है। दिल्ली या यूपी के व्यापारी तो यहाँ आते हैं वो? हाँ जी, यहाँ सीधे कॉन्टैक्ट करते हैं आप? पहले आते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विश्वास बन जाता है किसानों का और व्यापारियों का, यहीं से फिर सौदे हो जाते हैं, सौदा होने के बाद यहाँ से माल लोड हो जाता है, उधर से पेमेंट आ जाती है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन मौसम पे काफ़ी जो निर्भर करता है, सब्जी का काम है जो वो मौसम पे निर्भर करता है। मौसम जैसे पहले अनुकूल था लेकिन अब कुछ दिनों से ये ठंडी हवा चलने के कारण अब सब्जी के अनुकूल नहीं है। तो देखिए ये डिपेंड करता है रेट पे, 55 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खरबूजे का खर्चा है।
जो टोटल लगाए हैं, और उसके साथ साथ अब जैसे 10 रुपये किलो है, 100 क्विंटल माल निकलता है तो 1,00,000 रुपये का, 12 रुपये हुआ तो 1,20,000 का, अगर 7 रुपये रह जाए तो 70,000 का, डिपेंड करता है रेट पे। उस पे खर्चा कितना हो जाता है? 60,000 रुपये बताया जी, ये मतलब 60,000 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये तक निकल जाता है, डिपेंड करता है रेट का, मौसम का। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फ्रूट पे आई फसल ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सोल जिसको कह देते हैं नरम फसल है, ज़्यादा बारिश हो गई तब ख़त्म, अगर कोई वायरस आ जाए इसमें वायरस बहुत आता है, वायरस आ जाए तब भी फसल ख़त्म हो जाती है। ये चलता है मतलब किस टाइम से किस टाइम तक? ये जनवरी से लेके मई जून तक फसल है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के सीड हैं, कुछ जो जनवरी में सोइंग होती है, बिजाई होती है, कुछ की फरवरी में होती है, कुछ की मार्च में होती है, फिर उसी तरह से फिर फ्रूट चलता है। ये सीवन के कितने एरिया में लगाया जाता है? ये लगभग 400 एकड़ में है यहाँ। सीवन हाँ जी, 400 से 450 एकड़ में है। मतलब हर साल लगता है ये? हर साल लगता है, हर साल।